नमस्कार, स्टडी आसान में आप सभी का स्वागत। आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकंड लेक्चर को करेंगे, जिसके अंदर हम पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम को जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो उसको पारितंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पारितंत्र भी बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। किसने किया था भाई? एजी टांसले ने किया था 1935 में। कब किया था? 1935 में एजी टांसले ने। ठीक है, तो हम अब समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र होता क्या है। देखिए, कोई भी जीव समुदाय में क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। हम डेफिनेशन भी इसको अच्छे से करेंगे, परंतु एक बार आप समझ लीजिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जैसे कि पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, जल है, वायु है, ये सब चीजें हैं। वायु दिखाई नहीं दे रही, परंतु हमें पता है कि है वो। ठीक है, महसूस तो कर सकते हैं ना। ठीक है, कोई भी जीव समुदाय, ये सारे जीव समुदाय हो गए, और इसके साथ ही वह पर्यावरण, इसके आसपास का पर्यावरण, पर्यावरण के अंदर पानी आ गया, वायु आ गया, सूर्य का प्रकाश आ गया, वो सब चीजें हो गई। जीव समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। कोई भी जीव समुदाय, ठीक है, साथ ही वह पर्यावरण, जीव समुदाय और साथ ही इसका आसपास का इन्वायरमेंट, जिस भी पर्यावरण में वो जीव समुदाय रहते हैं उसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। बस इतनी सी एक सिंपल सी बात है इसके अंदर। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो जीव समुदाय और साथ ही ये जो पर्यावरण है, इसके बीच का हमें अध्ययन करना हो, इसका बीच का अध्ययन करना हो, तो हम पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन करते हैं कि इसके बीच का संबंध कैसा है। वो हमें देखना हो तो इकोलॉजी में करते हैं, और जहां पर भी ये जीव समुदाय और इसका जो पर्यावरण है ये रहते हैं तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। एक चीज और है इसके अंदर, ये आपस में अंतःक्रिया में भी शामिल होते हैं। जो जीव समुदाय है ये पर्यावरण के साथ क्रिया भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पशु पक्षी है, ये यहाँ पे इसको क्या क्या चाहिए? पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, इनको क्या चाहिए? यहाँ की जो मिट्टी है ये भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पानी है ये भी चाहिए, वायु है वो भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश है वो भी चाहिए। यानी कि आपस में तो ये सम्मिलित हो रहे हैं ना, किसी न किसी क्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं ये। ठीक है, मान लीजिए कोई भी संजीव चीज है, वो पानी के बगैर नहीं रह सकता, सूर्य के टेम्परेचर के बगैर हमेशा तो नहीं रह सकता, वायु के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसको ये सब चीज चाहिए ही चाहिए, तो आपस में क्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। या फिर एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जहां पर भी कोई जीव समुदाय साथ ही वो पर्यावरण जहां पर भी वो रह रहे हो उसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। ठीक है, एजी टांसले ने 1935 में इस वर्ल्ड का सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2015 में प्रीलिम्स में पूछा गया था, आप इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि पारिस्थितिकी तंत्र को ही पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो संजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों यानी कि ऑर्गेनिजम्स का समुदाय, साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। बताइए इसका क्या आएगा? मैंने आपको बताया कि जीवों का समुदाय साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं वही पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र कहलाता है। तो आंसर आएगा सी। ठीक है, इसमें ये देखिए सेकंड ऑप्शन है, पृथ्वी का वह भाग जो संजीव जीवों द्वारा आवश्यक है। देखिए ऑप्शन गलत है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, संजीव चीजें ये इसने ये बात सही लिखी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें ये लिख रखा है कि वह भाग जो संजीव जीवों द्वारा आवासित है, संजीव जीव तो है पर मैंने आपको बताया कि साथ ही वो पर्यावरण, जिस भी पर्यावरण में वो रहते हैं संजीव जीव, वो सब वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जीव भी हो, संजीव भी हो, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो और उसके आसपास का पर्यावरण भी हो। ठीक है, तो वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो आंसर आएगा सी, ये यूपीएससी 2015 में आया हुआ है। आगे बढ़े,
आगे देखिए देखिए इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए, आप लिखनी हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में शामिल होते हैं या जीवों का समुदाय साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। मैंने आपको समझा दिया ये चीज तो। आगे देखिए जीव मंडल के सभी संगठक, संगठक में मैंने आपको बता दिया कि जितने भी जीवधारी हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, ठीक है, वो सब चीजें आ गई। जो भी अपने अजैव पर्यावरण, अजैव पर्यावरण में क्या क्या चीजें आ गई, जैसे कि प्रकाश है, वायु है, जल है, मिट्टी है, ये सब चीजें आ गई, ठीक है, तापमान है, ये सब चीजें अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित होते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपस में वो क्रिया तो करती हैं। जो पशु पक्षी है जैसे कि पानी भी पीता है, उसको टेम्परेचर भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो लिखना। तो जीव मंडल के सभी संगठक जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित होते हैं और संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसके दो घटक हैं यानी कि दो कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला है अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स और एक है बायोटिक यानी कि जैविक घटक। हम आज इस वीडियो में बात करते हैं अजैविक घटक की। अजैविक घटक क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। देखिए जो अजैविक घटक होते हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कोई भी जीव रहता है जहां पर भी, कोई भी जीव जहां पर भी रहता है वो अपने जिस पर्यावरण में, जिस भी पर्यावरण में वो रहता है उसके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अजैविक घटक। मतलब देखिए कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात समझिए, कोई भी जीव यानी कि कोई भी संजीव जीव है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने पर्यावरण में किस तरह अच्छे से रह पाता है, यानी कि जैसे कि पशु पक्षी है, ट्री है, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन ट्री का, उसको मिट्टी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको वायु भी चाहिए, उसको टेम्परेचर भी चाहिए, मतलब उसके अनुकूल जो चीज़ चाहिए वो अगर उसको अच्छे से मिल रही है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, अगर हमें हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, हमें वायु भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें जल भी चाहिए, हमें जो सनलाइट भी यानी कि सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, हमें तापमान भी जो नॉर्मल जो हमें तापमान चाहिए होता है वो भी हमें चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर हमें अच्छे से मिल रही है, ये सब चीज़ें अगर हमें अच्छे से मिल रही है तो हम अच्छे से रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। इसी तरह ट्री है, ट्री को अगर सारी चीज़ें जिसकी मिट्टी, जल, पानी, वायु, सनलाइट सब चीज़ें मिल रही है तो वो ग्रो करेगा, अगर अदरवाइज वो ट्री खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें अजैविक घटक में होती है। अजैविक घटक के तीन पार्ट होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायवीय या फिर भौतिक कारक, ठीक है। मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। देखिए कार्बनिक जो होते हैं ना, कार्बनिक जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, उसमें आते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मनुष्य को प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, चाहिए ना, अगर हमें अच्छे से मिलेगा तो हम रह पाएंगे, नहीं तो ग्रो नहीं करेंगे हम, ओके। और सेकंड है अकार्बनिक। अकार्बनिक में क्या क्या आते हैं, जैसे कि जल हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, गैस हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन गैस या फिर कार्बन, ये सब चीज़ें, और जल हो गया, ओके, ये सब चीज़ें अकार्बनिक पदार्थ में आ जाती है, ओके। और एक मैंने बताया जलवायवीय या फिर भौतिक। भौतिक में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि प्रकाश है, ठीक है, तापमान है, ओके, वायु है, ओके, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है, प्रकाश, तापमान, वायु, ये सब चीज़ें आपकी भौतिक कारक या फिर जलवायवीय कारक में आ जाती है। ये सब चीजें हमारे पर इफेक्ट डालती है कि नहीं डालती, डालती है ना। कार्बनिक पदार्थ हमारे, कार्बनिक जैसे कि उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पर इफेक्ट डालते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए। इसी तरह अकार्बनिक है, अकार्बनिक भी हमें चाहिए, यानी कि उसमें आपके कार्बन, नाइट्रोजन, जल, ये सब चीजें आ गई, वो भी हमें चाहिए, वो भी हमारे पर इफेक्ट डालेंगे। जलवायु भी एक भौतिक कारक, ये भी हमें चाहिए, इसमें टेम्परेचर है और हवा है, पानी है, ये सब चीजें, सॉरी पानी नहीं है, टेम्परेचर है और सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है भौतिक कारक में। ये सब चीज़ें हमारे पर इफेक्ट डालती ही डालती है और ये आपस में भी इफेक्ट डालती है एक दूसरे पर भी, ठीक है। एक दूसरे पर कैसे डालती है, जैसे कि प्रकाश जितना तेज होगा वो पानी भी थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठीक है, हवा भी गर्म चलेगी, तो इस मतलब जितने भी तेज, जितनी भी ज़्यादा गर्मी होगी, ओके, तो ये सब चीज़ें आपस में भी इफेक्ट डालती है और जीव समुदायों पर भी इफेक्ट डालती है। ये हो गया अजैविक घटक, समझ आया। कुछ भी पूछना हो ना, अगर कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने पढ़ लिया, कुछ भी और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे इसके टाइप्स,
और उसके बायोटिक कंपोनेंट्स भी देखेंगे, यानी कि जैविक घटक जिसमें जिसमें आपका अपघटक होता है, जिसमें उत्पादक उपभोक्ता वो सब चीजें उसमें आ जाती है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, बायोडाइवर्सिटी या फिर आपका पर्यावरण है, प्रदूषण है, मरुस्थलीय परितंत्र है, घास परितंत्र है, आर्द्र भूमियाँ हैं, रामसर कन्वेंशन है, वो सब चीज़ें हम देखते चलेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच।